हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो है रेड वेलवेट केक। आपने मार्केट में कहीं भी जगह रेड वेलवेट पेस्ट्री या केक तो खाया ही होगा, लेकिन आपको ऑथेंटिक चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी चाहिए। अगर आप रेड वेलवेट केक में अगर आप उसमें रेड कलर ना डालें तो ये वनीला स्पंज नहीं हो जाएगा, तो इसलिए उसमें रेड कलर यूज़ नहीं करते हम। यूज़ करते हैं उसमें बीट रूट का जूस, यानी कि चुकंदर का जूस, जिससे कि उसमें बढ़िया से रेड कलर आ जाता है और वह ऑथेंटिक रूप से डाला जाता है, तो इसलिए वो बढ़िया से रेड वेलवेट का टेस्ट आ जाता है। तो अगली बार से आप अगर स्पंज बनाते हो रेड वेलवेट का, तो उसमें आप बीट रूट का जूस डालिए, जिससे कि आपके टेस्ट और स्पंज में और अच्छा आएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों ये है कि रेड वेलवेट केक में अगर आप क्रीम डालते हैं तो वो भी गलत है। उसमें क्रीम चीज़ जाती है, उसके साथ विप क्रीम मिक्स होता है, जिससे कि वो ऑथेंटिक तौर पे रेड वेलवेट केक कहलाता है। तो यही थी एक नॉलेज। तो दोस्तों आप भी अपने दोस्तों के साथ ये रेड वेलवेट केक के जो मैंने सीक्रेट्स बताए आप भी उनको जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हर एक बंदे को ऑथेंटिक पता होना चाहिए जो हमारे रेड वेलवेट केक में यूज़ किया जाता है। तो फिर मिलेंगे नए टिप में दोस्तों। जय हिंद।